हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं मीठापुर बस स्टैंड पुल के नीचे। यहीं से एक न्यू रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि मोहली एलिवेटेड रोड का यहां पे काम आगे चल रहा है। तो आज का इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं कि मोहली एलिवेटेड रोड का काम कितना हो चुका है और कितना काम बचा हुआ है। तो चलिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो उससे पहले, हमारे वीडियो पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लेकर चलते हैं क्या कुछ काम को आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली यहाँ पे रोड का लेवलिंग ये सब कर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया। यहाँ पर अब रेड स्टोन बिछाना यहाँ पर बचा हुआ है, और आगे में चल दिखाते हैं कितना दूरी तक रेड स्टोन बिछा दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ दूर आगे बढ़ने पर यहाँ पर देख सकते हैं रेड स्टोन बिछाकर यहाँ पे बराबर कर दिया गया, और इसके ऊपर यहाँ पे पिचिंग करने का काम जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आगे चलकर हम दिखाते हैं क्या कुछ काम को आगे बढ़ाया गया और क्या कुछ काम को भी बचा हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम पहुँच चुके हैं हरिश्चंद्र नगर यहाँ पे। तो देख सकते हैं सामने यहाँ पे हरिश्चंद्र नगर है, तो वहाँ पे देख सकते हैं हरिश्चंद्र नगर से यहाँ पे एक सिपाड़ा की तरफ नया रोड का निर्माण किया जा रहा था, उसी का आज अपडेट लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर रोड का काम यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब पिचिंग करने का काम यहाँ पर बचा हुआ है, और साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों साइड में यहाँ पे देख सकते हैं साइड में यहाँ पे भरकर कंप्लीट कर दिया गया है। रेड स्टोन यहाँ पे सब भरकर कंप्लीट कर दिया गया, और यहाँ पे अच्छे से बराबर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिचिंग करने का काम जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आगे में चलकर दिखाते हैं कितना दूर पिचिंग का काम कंप्लीट हो गया है और मीठापुर रैम्प का काम कितना कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हमारे वीडियो पर बने रहिए तब तक। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से रोड ढलैया का काम स्टार्ट हो चुका था। और आगे तक हम लेकर चलते हैं कि कितना दूर एक साइड में रोड का ढलैया का काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी ढलैया रोड के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं बोरा को बिछाया गया, इसके ऊपर पानी दिया जाता है इसके लिए, क्योंकि ये रोड बढ़िया हो इसी के कारण यहाँ पर बोरा ये सब बिछाया गया है। तो देख सकते हैं एक तरफ का यहाँ पर देख सकते हैं ढलैया अगर कम्प्लीट हो चुका, और एक तरफ बगल में देख सकते हैं अभी उधर नहीं हुआ, तो एक साइड का पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीच में रेलिंग कर दिया जाएगा, और फिर एक साइड में इस तरफ कर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अब हम लेकर चलते हैं जो कि मोहली एलिवेटेड रोड के पास, वहाँ पर दिखाता है कि रैंप का काम कितना कंप्लीट हुआ है और कितना काम बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस रोड का, जो कि यहाँ पे इसका लगभग 3 महीने बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिचिंग करने का काम यहाँ पे किया गया है। इससे 3 महीना पहले यहाँ पे बहुत सारा पेड़ हुआ करता था, तो सारा पेड़ ये सबको काट दिया गया, और यहाँ पे नदी हुआ करता था, तो सारा नदी को अच्छे से यहाँ पे भरा गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से एक बराबर शेप में किया गया है, फिर उसके बाद रेड स्टोन ये सबको बिछाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर रोड का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। तो एक साइड में देख सकते हैं अभी एक साइड में हुआ, और एक साइड में इधर देख सकते हैं एक साइड में अभी बचा हुआ, और आगे में देख सकते हैं सिपाड़ा पुल, ये है सिपाड़ा पुल के जस्ट बगल में। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी दिन से इस रोड का काम चल रहा था, तो आज यहाँ पे देख सकते हैं देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि रोड यहाँ पे ढला चुका है। और आगे में हम लेकर चलकर दिखाते हैं क्या कुछ रैम्प का पिलर कितना कम्प्लीट बनकर हुआ है और कितना काम बचा हुआ है। तो चलिए हमारे वीडियो पर तब तक बने रहिए, हम दिखाते हैं आगे चलकर
कि रैंप का पिलर कितना हुआ है, जो कि पिलर नंबर 3 तक वहां पर आकर मीठापुर से मोहली एलिवेटेड के बीच में 2 रैंप बनाया जा रहा। तो एक रैंप बनाया जा रहा जो कि मोहली एलिवेटेड स्टार्ट हो रहा है, जो कि मोहली में बनाया जा रहा, और दूसरा रैंप यहाँ पर भूपतिपुर के पास बनाया जा रहा। तो उसका काम अभी पिलर का काम काफ़ी स्पीड से यहाँ पर किया जा रहा। तो आज का इस वीडियो में यही हम दिखाने वाले हैं कि पिलर का काम कितना आगे बढ़ चुका और कितना काम बचा हुआ। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरफ देख सकते हैं साइड में रेलवे लाइन है, और यहाँ पे एक छोटा सा गोलंबर बनाया जाएगा जो कि इस तरफ भी मुड़ने के लिए हो जाएगा, और सिपारा पुल के उस तरफ जाने के लिए भी यहाँ पे एक गोलंबर बनाया जाएगा। और चलिए आगे हम लेकर चलकर दिखाते हैं क्या कुछ काम को आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पिलर करने वाला यहाँ पे मशीन आया हुआ, और रेलवे लाइन के साइड में यहाँ पे रेलिंग करने का काम भी किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पिलर वाला यहाँ पे छड़ ये सब आकर रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक पिलर किया जाएगा। और देख सकते हैं रेलवे लाइन के साइड में यहाँ पे मिट्टी को भरकर कंप्लीट कर दिया गया, और यहाँ पे देख सकते हैं रेड स्टोन ये सब यहाँ पे अभी गिराया गया। तो यहीं पे एक भूपतिपुर में यहाँ पे रैंप बनाया जाएगा, जो कि मीठापुर से मोहली एलिवेटेड के बीच में यहाँ पे 2 रैंप बनाया जा रहा। तो पहला रैंप बनाया गया है जो कि मोहली में बनाया गया, और दूसरा रैंप यहाँ पे बनाया जा रहा जो कि भूपतिपुर में दूसरा रैंप यहाँ पे बनाया जा रहा। मोहली से फ्लाईओवर स्टार्ट होगी और यहाँ पे भूपतिपुर के पास यहाँ पे फ्लाईओवर डाउन होगी। तो यहीं पे रैंप बनाया जा रहा है जहाँ पर देख रहे हैं रेड स्टोन ये सब है, यहीं पर फ्लाईओवर आकर यहाँ पर डाउन होगी। तो आगे में चल कर दिखाते हैं कि पिलर का काम क्या कुछ आगे बढ़ा, क्या कुछ काम बचा हुआ। तो यहाँ पे देख सकते, बताए थे कि मीठापुर से मोहली एलिवेटेड के बीच में यहाँ पे कुछ पिलर का काम बचा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पिलर का काम कम हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पिलर का बेस का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिलर का बेस ये सब का छड़ ये सब बांध कर कम्प्लीट कर दिया गया है। और आगे में चलकर दिखाते हैं क्या पिलर का काम बचा हुआ है, क्या कुछ काम चल रहा है। तो आगे में लेकर चलकर हम दिखाते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो में बन रही है, हम आगे चलकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे में भी यहाँ पर देख सकते हैं पिलर यहाँ पे बनाया जा रहा, और इसी का यहाँ पे बेस जो था कि बांधा जा रहा था। और आगे में भी देख सकते हैं यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे 2 पिलर यहाँ पे बनाने के लिए बचा हुआ है। तो एक पिलर यहाँ पे हो गया, एक पिलर इसके आगे हो गया, यहाँ पे 2 पिलर बनाने का काम बचा हुआ था, जो कि काफ़ी दिन से यहाँ पे रैंप का काम स्टार्ट नहीं किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं रैंप का काम काफ़ी ज़ोर तोड़ से यहाँ पे किया जा रहा है। और आगे में देख सकते हैं यहाँ पे पिलर करने वाला यहाँ पे मशीन ये सब आकर लगी हुई है। और इससे पहले हम बता दें कि आगे चलकर दिखाते हैं क्या कुछ काम को आगे बढ़ाया गया है। और इससे पहले हम बता दें कि मीठापुर से मोहली एलिवेटेड फेज़ 2 के अंदर उधर 7 पिलर करने का काम किया जा रहा था, उसका भी जल्दी अपडेट देने वाला है इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए, हमारे वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, हमारे वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारे वीडियो पे बने रहिए।